तो यहाँ पे ऊपर टोपियाँ से लटकाई हुई है, कोई ट्रेडिशन है भाई बता रहा था हमें। अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी या लेट्स से एलिस स्प्रिंग्स की बात करें, उसमें एबोरिजिनल्स 1000 हैं, बट आपके जो एक्चुअल गोरे हैं वो 200 हैं। तो इसलिए आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मोस्टली यही लोग रह रहे हैं, गोरे है नहीं है। इट्स जस्ट की प्रपोर्शन ज्यादा है, बट ओवरऑल जो है एबोरिजिनल्स वो न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ज्यादा रहते हैं। ये जो काले काले हैं ना, काले काले घूम रहे हैं, सारे साइक्लोन्स हैं, सारे अलग अलग जगह पे। अगर आप आ रहे हो मेलबर्न से तो पहले उल्लू कवर करके फिर एलिस स्प्रिंग्स जाना, या फिर वापसी में एलिस स्प्रिंग से उल्लू कवर होते हुए वापस मेलबर्न जाना। तो दोनों ऑप्शंस बेटर है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन में। आज है दिन 7 ऑफ माय ट्रिप, डे हो गया है आज, डेट हो गई है आज 28 दिसंबर, और टाइम है इस टाइम सुबह का 3 बजे। तो भाई सूरज निकल चुका है, हमारे भी ऑलमोस्ट नींद पूरी हो चुकी है। अब हम जाएंगे यहाँ से स्टुअर्ट वेल, वहाँ से करवाएंगे रिफ्यूल। तो वही पहुँच गए हैं स्टुअर्ट वेल, यहाँ पे है तेल $2.75 का, और यहाँ पे प्रीमियम 95 भी है। तो बढ़िया, इसको करते हैं टंकी फुल, देखते हैं अंदर कॉफ़ी वगैरह मिलती है कि नहीं, फिर चलते हैं, करते हैं अपनी जर्नी कंटिन्यू। फ्यूल पड़ा है पूरे $153 का, 56 लीटर। निकल पड़े हैं हम अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दैट इज रैनर स्प्रिंग्स। तो ये एलिस स्प्रिंग्स को क्रॉस करते हुए जाता है, टैरेंट क्रीक को क्रॉस करके हो जाता है, उससे अगला स्टॉप है। तो पहले जो मेरा प्लान था, तो मेरा था कि टैरेंट क्रीक रुकूंगा, बट मैंने सोचा कि थोड़ा और ड्राइवर कर लेता हूँ, क्योंकि अभी दिन के टाइम है, अभी टाइम हो रहा है 7 in the morning। तो सीधा जाके हम पहुँचेंगे रैनर स्प्रिंग्स, वहाँ पर स्टे ऑलरेडी बुक कर लिया है मैंने। गलती जो मैंने की है वो आप मत करना, मुझसे तो अभी हो गई है। तो जो गलती मैंने करी है कि मैं कुंवर पीडी से डायरेक्टली एलिस स्प्रिंग चला गया था, और उल्लू आने के लिए मेरे को वापस एलिस स्प्रिंग से वापस आना पड़ा। तो इफ़ यू आर गोइंग फ्रॉम मेलबर्न से, अगर आप जा रहे हो एलिस स्प्रिंग से डार्विन, तो उल्लू पहले आता है फिर एलिस स्प्रिंग आता है। तो मेरे केस में हुआ, मैं सीधा एलिस स्प्रिंग चला गया, फिर कल मैं वापस एलिस स्प्रिंग से आया उल्लू, अब मैं उल्लू से वापस जा रहा हूँ एलिस स्प्रिंग। तो मेरे 2 चक्कर एक्स्ट्रा लग गया है। अब ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आप आ रहे हो मेलबर्न से तो पहले उल्लू कवर करके फिर एलिस स्प्रिंग जाना, या फिर वापसी में एलिस स्प्रिंग से उल्लू कवर होते हुए वापस मेलबर्न जाना। तो दोनों ऑप्शन बेटर है। तो भाई इनकी मैंने नंबर प्लेट्स नोट करी हैं गाड़ी की, या देख रहे हो लाल कलर की है, और पीछे लिखा हुआ है नॉर्दर्न टेरिटरी आउटबैक ऑस्ट्रेलिया। ले लिया है पहला पिट स्टॉप 2 घंटे की ड्राइव करके, और टेम्परेचर ऑलरेडी हो गया 38 डिग्रीज, और सुबह के भी 9:30 हुए हैं यहाँ पे। और ये यहाँ पे एक स्पॉट था, तो वही देखने आया हूँ मैं क्या चीज़ है। ये तो वही कुआं टाइप लग रहा है कुछ, यहाँ पे लोग बैठ के देखते होंगे, उधर एक बंदा नीचे पानी लेने जाता होगा, यही होगा यहाँ पे। भाई लोग पता नहीं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, वो सामने काले काले, तो काफी साइक्लोन्स दिख रहे हैं मेरे को। एक तो अभी आई थिंक पीछे मैंने क्रॉस किया तो वो हल्का सा ऊपर आया था, तो बट वो हल्का था, उसमें बस धूल मिट्टी थी, तो भाई बच गया। बट अगर आप वो सामने देखोगे, मैं जूम करता हूँ थोड़ा, ये जो काले काले हैं ना, काले काले घूम रहे हैं, सारे साइक्लोन्स हैं, सारे अलग अलग जगह पे। एंड इधर लग रहा है आई थिंक फायर वगैरह भी लगी थी, जब लास्ट टाइम हुई थी ऑस्ट्रेलिया में फायर लगी थी, बुश फायर, तो उसके अगर आई थिंक वो सामने अगर आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिख रहे हैं मेरे को सामने। तो ये समझ नहीं, अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो सारी ग्रीन ग्रीन घास है, और अगर आप राइट साइड देखोगे, अभी चलेगी आगे आएगी, तो राइट साइड पे सारी जली हुई घास है। तो ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि बुश फायर जो थी सिर्फ राइट साइड पे लगी थी, लेफ्ट साइड पे तो सारी ग्रीन ग्रीन है। भाई मैं रुका हूँ एम्पोल टेनेंट क्रीक पे, यहाँ है लकली, यहाँ पे भी 95 मिल गया है, इधर रेट है, अरे वाह इधर सस्ता है $2.15 कंपेरेटिवली बाकी जो रास्ते थे। भाई गाड़ी पेट्रोल बहुत पी रही है, अभी तक 12 की एवरेज दे रही है, $118 फिर से फ्यूल टैंक का। तो भाई रैनर क्रीक यहाँ से रह गया है 162 किलोमीटर्स,
पौने दो घंटे और गाड़ी की टोटल माइलेज वापस आ गया 670 किलोमीटर, तो वहाँ तो आराम से पहुँच जाएंगे। और कल जब निकलूंगा मैं डार्विन के लिए, वहाँ पे दोबारा से फ्यूल टॉप अप कर लेंगे। इसको हम एक्चुअल टाउन कह सकते हैं, अदरवाइज जो बीच बीच में टाउन आ रहे थे दोज वर नॉट एक्चुअल टाउन। वो बस एक रोड हाउस था, उस पर रेस्टोरेंट था, उसी में एक छोटा सा सोने के लिए लोगों के लिए वो भी बनाया हुआ था और पेट्रोल पंप भी था, तो उनको भी उन्होंने टाउन बोला हुआ है, बट दिस इज एक्चुअल टाउन। एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई हैं और दो पेट्रोल पंप है, एक पीछे था एम्पोल का और एक बीपी का है। बीपी का मुझे दिखा नहीं, वो कह रहे थे बीपी इज ओपन 24 आवर्स, तो बट मैंने इसकी फोटो खींच ली। अगर वापसी में यहाँ पे रुकना हुआ तो एटलीस्ट मेरे को टाइम का पता होगा किस टाइम पे पहले आना है ताकि मैं रिफ्यूल कर सकूं। तो ये है भाई आपका टेनेंट क्रीक। तो यहाँ पे मोस्टली पॉपुलेशन एज कंपेरेटिव टू न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड और एलिस स्प्रिंग्स में ऐसे था, एबोरिजिनल की और जो इंडिजीनियस पीपल है उनकी थोड़ी ज्यादा है प्रोपोर्शन वाइज। जो एक्चुअल गोरे लोग हैं वो मुझे कम ही दिखे यहाँ पे। तो इसकी एक्चुअली मैं ये रिसर्च भी कर रहा था कि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया में कहाँ पे है एबोरिजिनल्स और इंडिजीनियस की, तो उस पर लिखा था न्यू साउथ वेल्स, उसमें सिडनी, देन आफ्टर दैट इट वॉज क्वींसलैंड और डार्विन तो उधर था ही नहीं कहीं पे और नॉर्दर्न टेरिटरी मेंशन नहीं था। तो फिर मैंने दोबारा से थोड़ा चेक किया तो बोले कि ओवरऑल पॉपुलेशन सबसे ज्यादा इन दो स्टेट्स में है, बट अगर आप प्रोपोर्शन का देखा जाए तो एलिस स्प्रिंग्स और नॉर्दर्न टेरिटरी में एक्चुअली प्रोपोर्शन ज्यादा है। विच मीन्स अगर लेट्स से न्यू साउथ वेल्स में आपके 100,000 गोरे लोग रह रहे हैं और सिर्फ 20,000 इंडिजीनियस हैं। अच्छा ये है वीपी, आई थिंक ये 24 घंटे खुला रहता है। तो कमिंग बैक, हाँ न्यू साउथ वेल्स में 100,000 गोरे लोग हैं और 20,000 इंडिजीनियस हैं, तो उसमें वो 20,000 सबसे ज़्यादा हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। हाउएवर अगर आप नॉर्दर्न टेरिटरी या लेट्स से एलिस स्प्रिंग्स की बात करें उसमें एबोरिजिनल्स 1,000 हैं बट आपके जो एक्चुअल गोरे हैं वो 200 हैं। तो इसलिए आप आओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मोस्टली यही लोग रह रहे हैं, गोरे है नहीं है। इट्स जस्ट कि प्रोपोर्शन ज़्यादा है बट ओवरऑल जो है एबोरिजिनल्स वो न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड में ज़्यादा रहते हैं। तो दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग फैक्ट जो जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। तो भाई लोग मैंने कर लिया है चेक इन इस रोड हाउस में, ये वही है अपना रेनर स्प्रिंग्स रोड हाउस नाम भी इसका वही है। तो मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ ये कैसा है। अंदर एंटर करते ही इनकी रिसेप्शन है, वही मेन जो सामान आपका नॉर्मल सर्विस स्टेशन पे होता है। और इसमें बढ़िया चीज़ है यहाँ पे बाजू में बार है एक, वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे ऊपर टोपियाँ सी लटकाई हुई है, कोई ट्रेडिशन है, भाई बता रहा था हमें वो इंडिया से या हरियाणा से। और ये है इधर अंदर का रेस्टोरेंट, इसके टाइमिंग्स हैं डिनर के 6 to 8 और ब्रेकफास्ट इज 6:30 to 5। तो बढ़िया एक कोजिस है। और इधर ही अगर हम बाहर जाएंगे तो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है। तो मेरा रूम इधर से सीधे जाके वो सामने इधर से दिखाता हूँ आपको, गाड़ी दिख रही होगी ब्लैक वहाँ पे है। और अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा है 45 डिग्रीज, तो काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। वो इंडिया में जो शादियों वाला पक्खा लगाया होता है वो लगाया हुआ है, ये ठंडी ठंडी हवा मार रहा है। और यहीं आगे जाके उस साइड पे स्विमिंग पूल है और ये है बाहर का व्यू यहाँ से। ये छोटे छोटे लॉजेस बनाए हुए हैं, तो इसका मैंने आज का दे रहा हूँ 115 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। तो ये आपका booking.com या किसी वेबसाइट पे नहीं है, ये जस्ट आप इनको फ़ोन करके बुक कर सकते हो या गूगल पे चेक करके इनकी वेबसाइट पे कर सकते हो। मैंने इनकी वेबसाइट पे चेक किया था, तो मैंने कल पूरे राउट पे देखे थे कौन कौन से टाउन्स आते हैं, रोड हाउसेस आते हैं, तो रिव्यूज़ के हिसाब से ये ठीक लगा, अभी तक तो ऐसे ही है। बाकी मैं आपको अपना रूम भी दिखाता हूँ अंदर से जाके, कॉटेज नंबर 13। ठीक है सोने के लिए ठीक है, एटलीस्ट कल की तरह गाड़ी की तरह नहीं सोना पड़ेगा। तो मेन चीज़ है एसी लगा हुआ है, ये बेड हैं, तो मैं तो एक पे निकल सुबह निकल लूँगा और
फ्रिज भी है नीचे, टीवी भी है, मैंने कौन सा देखना है आपको पता है, अब तक तो कैटल है, और प्राइवेट बाथरूम जैसा कि आपको पता है हॉस्टल में रुकने के बाद मेरे को थोड़ा वही है कि प्राइवेट बाथरूम होना चाहिए। शीशा भी लगा हुआ है, सुबह नहा धो के करेंगे, सुबह नहीं मैं तो शायद अभी नहा लूँगा क्योंकि आज अभी तक मैं नहाया नहीं हूँ, तो नहा धो के मैं सो जाऊँगा ताकि सुबह उठ के बस मुँह हाथ धो के सीधा मैं निकल जाऊँ डार्विन के लिए। डार्विन के लिए भी मैंने बुक कर लिया है रूम फॉर 3 डेज, चेकिंग इन टुमारो एंड चेकिंग आउट ऑन 1st। तो भाई लोग मैं जस्ट अभी सो के उठा हूँ, अंदर आते ही रूम में मैंने थोड़ा पहले एसी का टेम्परेचर एडजस्ट किया था, आई थिंक वो लो कूलिंग पे था तो उसको मैंने हाई कूलिंग पे किया, फिर 1 घंटा सो गया। अभी जस्ट उठा था तो मैंने सोचा नहा के थोड़ा फ्रेश हो जाते हैं, मैं वापस जा रहा हूँ रेस्टोरेंट में क्योंकि 6 से 8 का डिनर का टाइम है, तो जाके मैं खा पी के वापस आता हूँ। और क्योंकि इधर मेरे रूम में इंटरनेट कनेक्शन भी नहीं है तो मैं फ़ोटोज़ और मूवीज़ वगैरह भी एडिट नहीं कर पा रहा हूँ अपने फ़ोन में, तो उसके लिए इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, उसके लिए जाऊँगा मैं रेस्टोरेंट के अंदर। तो जब मैं आया था सिर्फ ये एक ही गाड़ी थी, अभी ये और वो एक और आ गई है, ये पहली थी तो वही मुझे लग रहा है जो ट्रैवलर होते हैं अपने तो ओवरनाइट यहाँ पे स्टे करते हैं। मैंने तो एडवांस में बुकिंग कर ली थी पर वो भाई बता रहा था कुछ लोग फ़ोन पे कर लेते हैं, कुछ लोग आके कर लेते हैं ऑन द स्पॉट। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका एक नए दिन में, एक नए सफ़र में और एक नए ब्लॉग में। आज है day 8 ऑफ माई जर्नी और मैं फाइनली निकल पड़ा हूँ रेनर स्प्रिंग से डार्विन के लिए। यहाँ से तकरीबन 8.5 घंटे का रास्ता है एज़ पर गूगल मैप्स, तो वही आप 9.5 घंटे लगा के चलो, बीच में एक दो बार मुझे रुक के पिट स्टॉप लेना पड़ेगा, एक बार फ्यूल भी डलवाना पड़ेगा और फाइनली आज हम डार्विन पहुँचेंगे। काफ़ी एक्साइटमेंट है, टोटल आज 8वां दिन है मेरे ट्रिप का। बीच में हम कहीं छोटी छोटी जगह रुके, वहाँ पे एक्सप्लोर किया जो जो नेचुरल उनकी वहाँ पे देखने लायक चीज़ें थी, बट फाइनली डार्विन पहुँच रहा हूँ और डार्विन पे मैंने ऑलरेडी अपनी अकोमोडेशन भी बुक कर दी है। तो भाई ये होटल बुक करवाया है मैंने, आर्गस होटल डार्विन, यहाँ से है 634 किलोमीटर, तकरीबन 6.5 घंटे की ड्राइव और तो पिट स्टॉप वगैरह ले लेके 7-7.5 घंटे बच जाएंगे। तो भाई प्रॉपर टाउन में आया कैथरीन, ये प्रॉपर टाउन है, अगर आप देख रहे हो पीछे काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बना हुआ है और यहाँ पे पेट्रोल पंप भी बढ़िया, सारे फ्यूल मिल जाएंगे 91, 95, 98, हम डाल रहे हैं 95 और 95 का प्राइस है $2.14, तो चलिए इसको करते हैं रिफ्यूल। गाड़ी की हालत देख रहे हैं नीचे से, कितने मच्छर मक्खियाँ हैं इसके ऊपर, बटरफ्लाई भी, इवन बटरफ्लाईज, अरे वो पीछे देखो। तो अब हम करेंगे शीशा साफ ताकि अगर गाड़ी से कोई वीडियो शूट करनी है तो क्लियर आ जाए। तो भैया फ्यूल स्टेशन का नाम OTR कैथरीन, अंदर जाके पैसे देते हैं और देखता हूँ कॉफ़ी मिलती है बढ़िया कि नहीं। तो भाई लोग फाइनली मेरे को किसों मिल ही गया, तो इनके पास अंदर हैम एंड चीज़ था तो उन्होंने स्पेशली मेरे को बेक करके दिया प्लेन किसों, तो आई थिंक 5 मिनट के अंदर बेक कर दिया। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था, यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और काफ़ी हेल्पिंग होते हैं, तो फाइनल कॉफ़ी और कॉफ़ी भी बरिस्ता वाली मिली है, तो बस अब सीधा स्टॉप फाइनल रुकेंगे हम डार्विन। जस्ट मैंने अभी नोटिस किया कि पूरा लैंडस्केप ही बदल गया, तो जैसे मैंने अभी कैथरीन को क्रॉस किया मैं डार्विन वाले रास्ते पे हूँ, यहाँ से तकरीबन 2.5 घंटे का रास्ता रह गया। तो अगर आप अगर देखोगे तो लेफ्ट साइड और राइट साइड पूरा लैंडस्केप चेंज हो गया है, इट्स स्टिल आउट बैक बट अभी यहाँ पे मोस्टली पेड़ पौधे आपको दिखने लग गए हैं, जो यूजली अगर आप मेलबर्न से सिडनी जाओगे या मेलबर्न से एडलेट जाओगे तो वैसा लैंडस्केप है। तो फाइनली पहुँच गया हूँ मैं डार्विन, day 8, फर्स्ट लेग ऑफ माई ट्रिप हैज़ बिन कम्प्लीटेड, मतलब अभी कम्प्लीट कहाँ हुई है, आज ही डार्विन पहुँचा और 3 दिन यहाँ पर रुकना है और घूमूंगा। और पहुँच के मैंने होटल में कर लिया है चेक इन, तो सबसे पहले जैसा कि मैं करता हूँ आपको देता हूँ रूम टूर। ये सामने एंट्री है, एंटर करते ही आपके इधर राइट साइड पे है बाथरूम वगैरह है सब कुछ, तो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। वो भाई की ग्रूमिंग किट है, इधर शावर है और ये टॉयलेट वगैरह, और बाहर सामने जाके अगर आप देखोगे तो ये बस एक मेन एरिया है, दैट्स अ किंग बेडरूम, 2 सोफे दिए हुए इन्होंने, TV लगा हुआ है, AC लगा हुआ है, छोटी सी पेंटिंग है और बाहर है। तो भाई ये है यहाँ का बाहर का व्यू डार्विन सिटी में। मेरा होटल और मेरा रूम एक्चुअली 7th फ्लोर पे है और
एज पर द रिव्यूज़ कह रहे थे इस काफ़ी सेंटर में लोकेटेड है, तो काफ़ी चीज़ें वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट इस टाइम इधर टेम्परेचर है 38 डिग्रीज़। तो आई डोंट नो, आई थिंक वॉकिंग करना तो मुश्किल होगा। अगर मैं जाऊँगा भी कुछ लेने तो गाड़ी में जाऊँगा। पिछली जितने भी ब्लॉग्स बनाए थे उसमें मैं माइक डालना भूल गया था, और बाद में जब खुद एडिट कर रहा था तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो ऑडियो क्वालिटी है इतनी अच्छी नहीं है, और मैंने माइक इसीलिए लिया था ताकि ब्लॉगिंग में यूज़ कर सकूँ। तो फॉर सम रीज़न वो मेरे दिमाग से निकल गया, और अब मैं डार्विन में आ गया हूँ तो मोस्टली सारे ब्लॉग्स में माइक लगाऊंगा ताकि ऑडियो क्वालिटी टॉप नॉच आए। और अब मैं करता हूँ थोड़ी रेस्ट, फिर थोड़ा नहा धो के बाहर निकलता हूँ, देखता हूँ क्या एक्सप्लोर करने को।